My dear friends, it's a joy to see you today. मेरे अनमोल मित्रों, आज आपके साथ मुखातिब होना बड़ा आनंद की बात है. Today we are meditating on the promise verse which is in John 10:11. आज हम यूहन्ना 10 उसका 11 पे जो प्रतिज्ञा वचन है उस पे मनन करने वाले हैं. I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for his sheep. अच्छा चरवाहा मैं हूँ. अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है. Yes, my dear friends, God is our good shepherd. मेरे मित्रों, परमेश्वर हमारे अच्छा चरवाहा है. We have nothing to fear. हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं. When we see how the shepherd takes care of his sheep. जब हम देखते हैं किस तरह से चरवाहा अपने भेड़ों का देखभाल करते हैं. It is such a wonderful thing to see. ये देखना बड़ा अद्भुत बात है. Because during the day, the shepherd takes his sheep for walks here and there. दिन के समय एक चरवाहा अपने भेड़ों का झुंड को इधर उधर लेके फिरते हैं. He stays with them and makes sure they eat and they are well protected. वो अपने झुंड के साथ रहते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि अपने झुंड को अच्छा खाना और सुरक्षा मिले. And at night he takes them to a sheepfold. रात के समय अपने भेड़ों के झुंड को एक सुरक्षित स्थान पर लेकर चलते हैं. It's a circular fence type thing. ये गोलाकार बाड़ जैसा स्थान है. Which is made up of rocks. जो चट्टान से बनाया गया है. It is a very strong fence. ये बड़ा मजबूत बाड़ा है. And on top of the fence, there are very sharp objects. इस बाड़े के ऊपर कुछ नुकीला वस्तु रहता है. So that thieves cannot enter in and take the sheep. ताकि चोर इसके अंदर प्रवेश कर भेड़ों को चुरा ना सके. And the sheep cannot jump outside. और भेड़ भी उछल के बाहर नहीं भाग सकता. But there is a small space in the entrance. लेकिन उस प्रवेश द्वार पे एक छोटी सी जगह है. What is that gap for? उस जगह किसके लिए है? It is for the shepherd to come and lay in the entrance. वो स्थान चरवाह के लिए है, वहाँ आके वो लेटा रहता है. He lays there all night watching over his sheep. वो पूरी रात भर वहाँ लेट के अपने झुंडों का देखभाली करता है. So that no one can touch the sheep. ताकि कोई भी उनके भेड़ों को स्पर्श ना कर सके. Even though harm may come, evil may come, people may come to take the sheep. हालांकि नुकसान करीब आ सकता है और दुष्ट लोग भेड़ों को चुराने के लिए आ सकता है. He stays there to protect them all night. और पूरी रात वहाँ लेटकर अपने झुंडों की सुरक्षा करते हैं. And he lays down his life for his sheep. और अपने भेड़ों के लिए अपना जीवन भी वो कुर्बान कर सकता है. Yes, my dear friends, our God does the same for us. जी मेरे अनमोल मित्रों, हमारे परमेश्वर भी हमारे साथ ऐसा ही करते हैं. He says over my dead body. वो कहते हैं मेरे मृत शरीर के ऊपर. You cannot come and touch my children. तुम आके मेरे बच्चों को स्पर्श नहीं कर सकते हो. And that is the confidence we have today. और आज हमारे जीवन में उस तरह का आत्मविश्वास है. Shall we pray? आइए हम प्रार्थना में जाएं. And thank him for this blessing. आइए इस आशीष के लिए उनको धन्यवाद दें. Lord, today I pray for the protection of all your children. पिता, आज आपके हर एक बच्चों के लिए आपकी सुरक्षा की प्रार्थना मैं करती हूँ. Let no sickness touch their bodies. पिता, कोई भी बीमारी उनके शरीर को स्पर्श ना करे. Let no accidents come. कोई दुर्घटना करीब ना आए. Let no evil that is planned against them touch their lives. जो भी दुष्ट साजिश उनके खिलाफ किया गया उनके जीवन को स्पर्श ना करें. Let them face no failures. वो कोई भी असफलता का सामना ना करें. No destruction. वो विचलित ना हो. Keep them safe. आप उनको सुरक्षित रखें. And watch over them like a good shepherd. और अच्छा चरवाहा होने के नाते आप उनके ऊपर नजर रखें. Thank you that you have given the promise that you will be with us. धन्यवाद आपका प्रतिज्ञा वचन के लिए कि आप हमारे साथ साथ बने रहेंगे. And protect us as your own children. और अपने बच्चे होने के नाते आप हमारी सुरक्षा करेंगे. We receive this blessing today. आज हम इस आशीष को प्राप्त करते हैं. Jesus name I pray. यीशु के नाम से प्रार्थना मांगती हूँ. Amen. Amen. May God bless. परमेश्वर आपको आशीष दें.